Greetings everyone. So today we'll be understanding the difference between firm's debts and private debts. मतलब फर्म की लाइबिलिटीज और प्राइवेट जो पार्टनर्स की अपने लेवल पे जो लाइबिलिटीज क्रिएट हुई हैं उनमें क्या डिफरेंस है और इनकी सेटलमेंट कैसे की जाती है. क्योंकि जब एक फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म की लाइबिलिटीज को पे करना है. उस टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपनी प्राइवेट लाइबिलिटीज भी तभी पे करो, ये ज़रूरी नहीं है. लेकिन एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले किसको पे करना है, बाद में किसको करना है. जैसे व्हेन यू लुक एट फर्म, तो फर्म के पास अपनी एसेट्स हैं, अपनी लाइबिलिटीज हैं. अब इंडिविजुअल पार्टनर्स के केस में क्या है, पार्टनर्स के भी हर पार्टनर की अपनी लाइबिलिटीज और अपनी पर्सनल एसेट्स भी होंगी. सो कौन सी एसेट्स को कहाँ यूज करना है, दैट वी नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड. सो फर्म के डेट्स का मतलब है ये जो फर्म की लाइबिलिटीज है एज अ बिजनेस, जो आपकी लाइबिलिटीज है. और प्राइवेट डेट्स का मतलब है पार्टनर्स की अपनी पर्सनल लेवल की लाइबिलिटीज. ओके, सो फर्म्स डेट मीन्स दोज डेट्स दैट आर बोरोड अगेंस्ट द नेम ऑफ द फर्म, जो फर्म के नाम से आपने बोरो किए थे. और प्राइवेट डेट्स हैं जो आपने खुद से बोरो किए अपने पर्सनल यूजेस के लिए. इसमें जो लाइबिलिटी है वो किसकी है, हु इज गोइंग टू पे. सो क्योंकि फर्म ने डेट लिया है तो फर्म के डेट को पे करने की लाइबिलिटी बन जाती है सारे पार्टनर्स की. सो ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सिवियरली, मतलब सेपरेटली लाइबल टू पे द फर्म्स डेट्स. सो फर्म के डेट्स की लाइबिलिटी सबकी बनती है. सबकी का मतलब है कि अगर ये डेट्स को पे करना है तो सबसे पहले तो ये जो जॉइंट है, जो बिजनेस जॉइंट है, तो ये सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली पे करना है. अगर ये कलेक्टिवली पे नहीं हो रहे देन ये सबकी पर्सनल लाइबिलिटी भी है. मतलब अगर आपकी फर्म के पास मान लो पैसा आता है 12,000, आपकी लाइबिलिटीज हैं 20,000, आपको 8,000 और चाहिए, तो पार्टनर्स आर इंडिविजुअली ऑल्सो लाइबल टू पे दी अमाउंट. तो यहाँ पे ये जो 8,000 की डेफिशिएंसी है ये पार्टनर्स को पे करनी पड़ेगी. अब मान लो आपके पास पार्टनर ए है, बी है, सी है, तो ये तीनों पार्टनर्स दे आर इंडिविजुअली ऑल्सो लाइबल टू पे. ठीक है, सो फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए पार्टनर्स को कलेक्टिवली भी पे करना है और सेपरेटली भी वो लाइबल हो जाते हैं. वेयर एज जो प्राइवेट डेट्स होते हैं दे आर अ पर्सनल लाइबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स. तो ये उनको खुद से पे करने हैं, उसके लिए वो फर्म को नहीं कह सकते. अब मान लो ए के पास जो डेट्स हैं, इसकी लाइबिलिटी है सपोज 50,000, इसकी पर्सनल एसेट्स हैं 45,000, इसके पास 5,000 कम पड़ रहा है अगर इसे पे करने. ठीक है, तो ही कैन नॉट आस्क फर्म, फर्म को नहीं कहेगा कि इसके पे कर दो, क्योंकि फर्म इसके लिए लाइबल नहीं है, बट ये फर्म के लिए लाइबल है. सो पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल टू पे देयर डेट्स. तो वो ये कर सकता है कि फर्म में से अपना पैसा निकाल ले, फर्म में अगर उसका कुछ पैसा है, कुछ शेयर है, तो वो अपना पैसा ड्रॉइंग करके निकाल के अपने डेट्स को पे कर सकता है, लेकिन वो फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पर्सनली लाइबल होगा. नाउ सेटलमेंट ऑफ द डेट्स आउट ऑफ प्राइवेट एसेट्स. अब इसमें एक ऑर्डर चलता है जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं. जो डेट्स हैं इनको प्राइवेट एसेट्स में से किस तरह से पे करते हैं, इसका रूल क्या है. इफ अ फर्म्स डेट्स एक्सीड्स फर्म्स एसेट्स, अगर फर्म की लाइबिलिटी फर्म की एसेट्स से ज्यादा है, तो प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज टू पे फर्म्स डेट्स. तो आप प्राइवेट एसेट्स को यूज कर सकते हो, बट किस कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग द प्राइवेट लाइबिलिटीज. मतलब जैसे यहाँ फर्म के पास अगर 8,000 की डेफिशिएंसी है, इंडिविजुअल पार्टनर्स आर लाइबल टू पे दिस, लेकिन वो कैसे पे करेंगे, वो पे करेंगे आफ्टर पेइंग देयर ओन लाइबिलिटीज. अब अगर जैसे ए का केस ले, तो ए के पास 5,000 और चाहिए उसको पैसे, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, ही कैन नॉट पे इवन हिज पर्सनल लाइबिलिटीज. तो ए को नहीं कहा जाएगा कि तुम पे करो, क्योंकि ही इज लाइबल टू पे दिस बट ओनली आफ्टर पेइंग हिज पर्सनल लाइबिलिटी. मान लो बी की सिचुएशन ऐसी है, उसकी 22,000 उसकी लाइबिलिटी है, उसकी एसेट्स है 24,000. अब अगर ये अपनी एसेट्स को यूटिलाइज करे, इसको अगर कहा जाए कि तुम पैसे लाओ फर्म को पे करना है, तो हिज प्राइवेट एसेट्स कैन बी यूज ओनली आफ्टर पेइंग हिज लाइबिलिटीज. तो उसकी लाइबिलिटीज है 22,000, उसके बाद उसके पास सरप्लस बचता है 2,000 का. सो ही कैन ओनली ब्रिंग अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2,000, तो सिर्फ 2,000 वो लेके आएगा. सिमिलरली मान लो सी की पोजीशन देखते हैं, सी की पोजीशन है सपोज 10,000 और उसकी एसेट्स है 15,000, तो यहाँ पर वो लेके आ सकते हैं मैक्सिमम 5,000. सो जो पार्टनर्स हैं दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट एट अ मैक्सिमम ऑफ से 7,000 फॉर दिस लाइबिलिटी.
ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना है. फर्म्स लाइबिलिटीज विल बी पेड आउट ऑफ फर्म्स एसेट्स फर्स्ट. पहले आप अंदर अपनी ही पोजीशन से पेमेंट करोगे, उसके बाद आप एक्सटर्नल पर्सन मतलब पार्टनर्स की लाइबिलिटीज पर्सनल एसेट्स की तरफ जाओगे. बट उनकी एसेट्स कैन बी यूज ओनली इफ दे हैव द सरप्लस. अगर सरप्लस नहीं है तो वो नहीं लाएंगे. जैसे अब ए नहीं लेके आएगा, बी लेके आएगा 2000, सी लेके आएगा 5000. अब यू आर फाइंडिंग कि इसमें सारी पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो 1000 जो है वो बच जाएगा, तो वो प्रोपोर्शनल पेमेंट होगी. बट दैट इज इट, दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. सो बी और सी को ये नहीं कह सकते आप कि पहले तुम यहाँ से पैसा लेके आओ, उसके बाद हम तुम्हें अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज पे करना. सो ऑर्डर याद रखो, जब फर्म की पेमेंट की बारी आती है तो पहले फर्म की एसेट्स यूज होंगी, उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो लाइबिलिटी बचेगी, दैट विल बी पेड आउट ऑफ द मनी ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स. लेकिन पार्टनर उतना ही पैसा लेके आएंगे जितना अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज में से उसका बचता है. तो हर पोजीशन पहले इंडिविजुअल लेवल पे सॉर्टिंग होती है, फिर जो सरप्लसेस बचते हैं वो इंडिविजुअल सरप्लसेस फर्म में लाए जा सकते हैं. अब अगर ये रिवर्स सिनेरियो हो जाए, मतलब प्राइवेट डेट्स को पे करना है, ठीक है, अब मान लो आपको प्राइवेट डेट्स को पे करना है, सपोज यहाँ पर हम पोजीशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो प्राइवेट डेट्स का ऑर्डर क्या होगा? प्राइवेट डेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर सेटल्ड अगेंस्ट पार्टनर्स प्राइवेट एसेट्स. तो उनके डेट्स अपनी प्राइवेट एसेट्स में से ही पे होंगे. अगर कोई सरप्लस बचता है तो उसको यूज कर लेंगे फर्म के डेट्स के लिए इफ द नीड बी, जो अभी हमने चेक किया था, ठीक है ना. सो प्राइवेट डेट्स को प्राइवेट एसेट्स में से देना है, और जो बचेगा उसे आप फर्म की तरफ ले जा सकते हो. अब आ जाते हैं रिवर्स केस में, सेटलमेंट ऑफ डेट्स आउट ऑफ फर्म्स एसेट्स. तो फर्म की एसेट्स से कैसे डेट्स पे होंगे? अब ये फर्म की एसेट्स है मान लो 20,000, और यहाँ पे है सपोज आपके पास है 32,000, ठीक है, एसेट्स हैं 32,000 की, लाइबिलिटीज हैं 20,000 की. यू कैन ऑब्वियसली पे योर लाइबिलिटीज. तो फर्म की एसेट्स में से सबसे पहले फर्म्स की लाइबिलिटी पे होगी. अब इनके पास बच गया सरप्लस मान लो 12,000 का, ठीक है ना, 20,000 की लाइबिलिटी पे कर दी, 12,000 बच गया, अब ये सरप्लस है. अब यहाँ ए बी सी की पोजीशन देख लो. अब मान लो ए के पास है 10,000 की लाइबिलिटीज, और से 8,000 की उसकी एसेट्स है, ठीक है, और बी की पोजीशन है उसके पास है 15,000 की लाइबिलिटीज और 25,000 की एसेट्स. सी की पोजीशन है उसके पास है 20,000 की ये लाइबिलिटीज़ हैं और उसकी एसेट्स हैं मान लो 10,000 की, ठीक है. अब जो प्राइवेट लाइबिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट एसेट्स में से पे होंगी. सो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो फर्म की एसेट्स बच गई, क्या इनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे करने के लिए? वो नहीं होंगी, इसलिए कि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो ये कहता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो पैसा बचेगा, इट विल बी यूज्ड टू पे ऑल द पार्टनर्स एज पर देयर रिलेटिव ड्यू अमाउंट. तो जो फर्म के पास सरप्लस बच गया इसकी अपनी लाइबिलिटीज पे करने के बाद, ये तीनों पार्टनर्स में उनके ड्यू अमाउंट के अकॉर्डिंगली, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंगली बटेगा. मान लो तीनों की कैपिटल इक्वल थी तो ये तीनों को 4,000, 4,000, 4,000 बट जाएगा. And then this will be used to pay their liabilities. So they cannot ask the firm to give them surplus to pay their personal liabilities. वो सिर्फ उतना ही पैसा use कर सकते हैं जितना उनका बचता है, जो उनका शेयर बनता है. जैसे ए है तो ए को 8,000 की एसेट्स हैं, 10,000 उसे 2,000 पे करना है, तो ये फर्म से 2,000 नहीं मांगेगा. फर्म ने जितना बैलेंस उसको दिया, मान लो फर्म ने उसको 4,000 दिया, सो ही विल यूज दैट. तो उसके पास अब हो जाएगा 8 + 4, ए के पास पोजीशन हो जाएगी 12,000, सो ही कैन पे हिज पर्सनल लाइबिलिटीज ऑफ 10,000, वो पे कर देगा, कोई इशू नहीं है. बी के पास अच्छी पोजीशन है, उसकी एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, उसके पास और पैसा आ जाएगा, सो नाउ ही विल बी हैविंग 29,000,
और उसमें वो अपनी लाइबिलिटीज इजीली पे कर देगा। सी की पोजीशन क्या है, उसके पास 10,000 और चाहिए उसको पैसा। अब फर्म के पास 12 है तो ये नहीं कह सकता कि फर्म के पास बहुत पैसा है मुझे दे दो, नहीं, फर्म उसको उतना ही पैसा देगी जितना उसका हिस्सा बनता है। सो फर्म के सरप्लस में एवरी पार्टनर विल बी गेटिंग हिज शेयर विच कैन बी यूज टू पे ऑफ देयर पर्सनल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो फर्म उनकी लाइबिलिटीज के लिए लाइबल नहीं है, बट पार्टनर्स फर्म की लाइबिलिटीज के लिए लाइबल है। तो अब सी को यहाँ पर फर्म से सिर्फ 4,000 ही मिलेगा जो उसका शेयर बन रहा है, सो ही विल बी हैविंग 14,000, अपनी लाइबिलिटीज है उसकी 20, वो कम पे कर पा रहा है, वो इंसॉल्वेंट माना जाएगा। ठीक है, तो उसकी पर्सनल पोजीशन होगी कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा, बट ही कैनॉट कॉल अपॉन फर्म, वो फर्म की एसेट्स को नहीं ले सकता अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज के लिए। सो ये दोनों का ऑर्डर क्या समझ रहे हो आप, कि अगर आपके पास फर्म को जरूरत है, फर्म नीड्स मनी टू पे लाइबिलिटीज, फर्म को अपनी लाइबिलिटीज पे करनी है, तो पार्टनर्स को पैसा लेके आना है। पार्टनर्स कैसे पैसा लेके आएंगे, आफ्टर पेइंग देयर पर्सनल लाइबिलिटीज, वो अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज को पे करके बाकी का जो पैसा बचेगा वो पूरा ले आएंगे। अब ये नहीं देखा जाएगा कि मैं तो हाफ का शेयर हूँ सो आई विल ब्रिंग ओनली हाफ मच मनी। भाई अगर फर्म की लाइबिलिटीज बच रही हैं 50,000 की, तो अगर ABC तीन पार्टनर है, ठीक है, विद रेशो 2:1:1, तो ए कहे जी मैं तो 50% का पार्टनर हूँ तो मैं 25,000 लाऊंगा, नो, दे आर फुली लाइबल टू पे फर्म्स लाइबिलिटीज, जिसके पास जितना पैसा है सबको कहा जाएगा सब लेके आओ और पे करो, हाँ दे आर टू पे देयर ओन लाइबिलिटीज फर्स्ट, अपनी लाइबिलिटी पे कर दो फिर आपका सारा पैसा मांगा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये रिवर्स केस हो, अब पार्टनर को पैसा चाहिए, पार्टनर नीड्स मनी टू पे हिज लाइबिलिटीज, अब अगर पार्टनर को अपनी लाइबिलिटीज पे करने के लिए पैसा चाहिए तो फर्म जो है उसको पैसा देगी, फर्म हैज मनी, फर्म के पास सरप्लस बच गया, बट फर्म उसको नहीं देगी। फर्म कितना देगी, फर्म विल पे एज पर देयर बैलेंस, जो उनके बैलेंसेस हैं फर्म में, ठीक है, उतना ही पे करेगी, उसमें से आप अपना यूज करो, अगर आप पे कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं पे कर पा रहे हो देन यू आर इंसॉल्वेंट। सो फर्म आपकी लाइबिलिटीज के लिए, फर्म इज नॉट लाइबल फॉर योर लाइबिलिटीज, ठीक है, बट पार्टनर्स आर लाइबल, पार्टनर्स आर फुली लाइबल टू पे फॉर द फर्म्स लाइबिलिटीज, बट ऑर्डर है कि हर एक को पहले अपने अपने अकाउंट सेटल करने हैं। सो आई होप दिस फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स की वर्किंग इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम वील वर्क ऑन द डिसोल्यूशन। थैंक यू।